Krishna, Krishna, Hare Hare.
From some of the kids here is sincerity. They're coming with notepads, which means they want to learn, right? Yes, Purvi, right? No wonder sun rises from Purvi. That's why Purvi. Yes. Importance of Bhagavad Gita. Why Bhagavad Gita is important? Kabhi kabhar Bhagavad Gita ko sectarian ya bahut hi jaisa religious text mana to bola jata hai. So important to understand why Bhagavad Gita. Kyun? Bhagavad Gita ka mahatmya kya hai? Uske bare mein humne pichli baar charcha ki thi. To humne Adi Shankaracharya ke ka jo Gita mahatmya hai, uske bare mein humne charcha ki. और तो ये हम सबको पता ही है कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली. तो श्रील प्रभुपाद जैसे भगवद गीता का पहला चैप्टर भी उसका नाम है सेटिंग द सीन. सो वैसे ही हम भी यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं. वी हैव कम टुगेदर स्पेंडिंग आवर वैल्युएबल टाइम. So we should also get some takeaway when we go back, go outside this door. You should have something, some takeaway from Bhagavad Gita. पिछली बार मैंने बताया था कि Bhagavad Gita is nothing but a manual of human form of life. Just like a fan, television, a mobile, they'll always have a menu book. Menu book रहता है उसके साथ. So जैसे आपकी तरह product आता है उसको खोलते हैं तुरंत से आप मेनू बुक देखते हैं कि ये बटन से ये होगा, ये बटन करने से बंद होगा या चालू होगा, जो भी है, right? और वी नेवर फिगर आउट इफ अ थिंग व्हिच इज वर्थ 10,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज व्हाटएवर, अगर उसके लिए कोई मेनू बुक है, हाउ अबाउट अ रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, करेक्ट? Which is invaluable, right? Somebody tells you, I give you 1 crore, give me your life, will you give? Right? So, which means life is much more valuable. So, iska matlab, is human form of life ka bhi kuch manual hoga ki hume kaise jeevan jeena hai? How do we live in this life? Right? So, that is what is Bhagavad Gita is all about. Isi baar humne we discussed, there are 5 things discussed in Bhagavad Gita. How many? 5. How many of you remember?
पहला वाज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर गॉड ईश्वर थैंक यू भंकर एनीबडी नोस सेकंड जीवा हर सेड जीवा यस लिविंग एंटिटी हम लोग काल टाइम यस मटेरियल नेचर प्रकृति उसके बारे में वर्णन और फिफ्थ है कर्म वेरी गुड लेकिन जो चार है ये फिक्स है भगवान को भी बदलने के लिए जो भगवान है वो हमेशा भगवान रहेंगे वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड दैट ऑल्सो विल नेवर चेंज राइट वी आर लिविंग एंटिटीज जीवा जीवा राइट थर्ड मटीरियल नेचर इट अंडरगोस चेंज बट इट कम्स बैक अगेन टू द सेम पोजिशन और वट एवर राइट आपने कोविड में क्या देखा व्हेन कोविड केम बाहर पूरा सेटल हो गया इट केम बैक टू इट्स नेचुरल स्टेट राइट दैट्स मटीरियल नेचर कोई बोल सकता है सर वो तो चेंज होता है लेकिन चेंज होता है बट इट कम्स बैक टू द सेम स्टेट दैट्स व्हाई इन वैदिक टाइम्स द टाइम इज सर्कुलर नॉट लीनियर इसलिए क्रोनोलॉजी का ज्यादा हम लोग कभी ध्यान दिए नहीं है हमारे शास्त्रों में भी जैसे अंग्रेजी में बहुत वेस्टर्न कल्चर में ये है 1554 यू नो उसके बाद 16th सेंचुरी 17th बट इन आर केस दिस साइकिल ऑफ टाइम इज सर्कुलर सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सत्ययुग सो इट्स सर्कुलर राइट रादर देन अ लीनियर यू नो द टाइम इज नॉट लीनियर राइट The number four is time. Time is always constant, right? You cannot, as I said, the time is circular, so it's always constant. So, but the fifth one is karma. That's why it is a manual of your kind of life, because it tells you what you should do. That's why we have questions. How many of you thought, कितने कोई प्रश्न आया है कि मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा क्यों किया? या मेरे साथ ही क्यों होना था ये मैं तो आज मंदिर सुबह होके आई थी आज ही मेरी चप्पल चोरी हो गई राइट वी हैव एन एक्सपीरियंस राइट एंड देन ऑफ कोर्स इज ईजीएस्ट वे इज टू ब्लेम गॉड फॉर दैट राइट टेक अ वाव आई विल नेवर कम टू द टेंपल सो दैट्स व्हाई कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट And that is what Bhagavad Gita teaches us. Bhagavad Gita, Prabhupada explains in the introduction of Bhagavad Gita, कि ये जीवात्मा को नश्यन से नॉलेज की तरफ ले जाती है। या इसको याद है शायद आपके यहाँ पता नहीं हम प्रेम में बोलते हैं हमारे यहाँ पहले बोलते थे शायद कुछ को पता हो सर ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय फ्रॉम इग्नोरेंस टू knowledge that is what Bhagavad Gita is all about Bhagavad Gita takes away the fears of our life imagine कीजिए आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और कोई एक रस्सी आपके यहाँ छू जाती है तो क्या लग सकता है आपको exactly but as soon as there is light will you become fearful no so Bhagavad Gita is that light that knowledge by which you are able to distinguish the phase of life, right? जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक से पूछा कि किसी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि ये भगवद गीता और आपका ये स्पिरिचुअलिटी ये जो आध्यात्मिक जीवन है इसको फॉलो करने से होगा क्या And Prabhupada looked at him, he said, what is the utility of this principle, right? Everybody asks, like you have a utility, when you go to office, you know, I'll get earn money, I'll like make money, right? You get married, why you get married? Because you want to have a family, right? You want to have kids, have a wonderful house, enjoy with your family. That's the utility of family, right? So Srila Prabhupada said that the utility of this principle, of this movement, of studying Bhagavad Gita, of chanting Hare Krishna, is to become fearless. Because we all, in our lives, are fearful for something or the other.
What does what drives the cosmetic industry? Do you know that? इसका काफी study होता है, पता है आपको? My brother is in marketing, so he would tell me that how this product came about. You know, ये ad ऐसे ही क्यों है? मैंने बोला क्यों? बोला क्योंकि इसमें 3 साल से रिसर्च कर रहे हैं ये लोग. पेरेंट्स को बुला के क्यूबिकल में बैठाते हैं और बाहर बड़े दिग्गज लोग बैठते हैं और वो ये बातें सुनते हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, बच्चों के लिए क्या सही है, हेल्थ के लिए कोई क्या बोल रहा है, और उनको स्टडी किया जाता है. तो ऐसे हर टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी, डिफरेंट सिटीज़ में जा जा के इस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, तब वो 10 सेकेंड का ऐड बनता है. So I was surprised that they, such a propaganda, such how such things are done actually. Anyway, what's the point? What was the point I was to say? So Prabhupada said the utility of this principle of this Krishna consciousness is that one will become awareness. So cosmetic industry ke baare mein maine pucha, you know what drives cosmetic industry? Fear of old age, fear of always looking, no, not looking old, the fear that drives cosmetic industry. It's a fact, right? And you travel outside and you see this cosmetic industry, you see who uses these? Sometimes you ask this question, right? Ye kaun use karta hai? Ye halakon ka, ye kaun use karta hoga? करने वाले हैं. You know, there's a joke. There's one lady, one old lady. No offense, ladies, please, thank you, mothers. There's an old lady. She was about to die. तो उसको लेने के लिए आ गए यमदूत. तो उसने चिल्लाया, हे भगवान. तो भगवान बोला, तो भगवान आ गए. बोले, मुझे किसी ने कलयुग में याद किया तो भगवान पहुंचे. बोला, बोलो पुत्री क्या चाहिए. तो बोला कि जीने लगा. बोले, अरे ये क्या हो गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा. नहीं, आपने मुझे बुलाया कुछ, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलन. मोदी जी ने बोला, क्या चाहिए सर? वो 1000 का छुट्टा है, समथिंग लाइक दैट, 1000 रुपये का छुट्टा है. तो मोदी जी बोले, मैं आया और क्या मांग रहे. तो भगवान ने बोला, तथास्तु, तू चले गए. तो जैसे ही खुश होगी, क्या 20 साल तो कोई चिंता नहीं है, भगवान से खुद आशीर्वाद करें. तो ये चली गई ब्यूटी पार्लर और पूरा फेस लिफ्ट करके, मेकअप वेकअप करके, पूरा हेयर डाई हो गया. बाहर निकली और एक ट्रक आ गया और उनको हिट कर गया और ये मर गया. तो ये ऊपर जब बहुत शोर मचा रही थी कि मुझे भगवान से मिलना है, धोखा हो गया है मेरे साथ, तो बोले, अरे भगवान. बोले, क्या हुआ? बोले, आपने तो बोला था 20 साल. अरे बोला, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, मैं पहचान ही नहीं पाया हमारे मन दुख. तो अलग ही बन के आ गई. So this is what drives the cosmetic industry, is the fear of old age. तो इसीलिए हमको हमारे जीवन में भगवद गीता इसलिए ही उतारना है, ताकि हम एक जीवन ऐसा जिए जिसमें ज्यादा, क्योंकि अगर आप डर कहते हैं, वो डर के मारे जीने का मतलब नहीं, राइट? सो यू शुड ऑलवेज हैव दैट बैलेंस. एंड अंडरस्टैंड भगवद गीता मीन्स टू अंडरस्टैंड कृष्णा. भगवद गीत, इट इज द सॉन्ग ऑफ गॉड, टीचिंग्स ऑफ कृष्णा, मतलब भगवद गीता. कृष्ण की लीलाएं मतलब भागवतम, जहां भगवत की, भगवान की क्या है लीलाएं है, वो हो गया श्रीमद् भागवतम, वो नेक्स्ट लेवल स्टडी. तो इसीलिए भगवद गीता पर भारत में क्या, अगर आप भारत के बाहर भी जाएंगे विदेशों में, इसके ऊपर कई लोगों ने टिप्पणियां लिखी. जैसे साइंस में आप देखते हैं, एक दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो रहती हैं स्पेस में, दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का जब डिस्टेंस मेजर करना होता है दो ग्रहों के बीच में या दो तारों के बीच में, तो एक प्रिंसिपल यूज होता है, फॉर्मूला यूज होता है. तो उसको बोलते थे
कुछ एक सर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम था उसका, साइंटिस्ट को बुरा लगेगा हम नाम नहीं लेंगे उसका, उसने बोला कि कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट यूज करो तो आपको वो पता चल जाएगा कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह का डिस्टेंस क्या है। तो साइंटिस्टों ने यूज किया तो एक में निकला, दूसरे में देखा तो देखा थोड़ा वो वेरी हो रहा है, फिर तीसरे में देखा फिर से वेरी हो रहा है, चौथे में देखा फिर से वेरी हो रहा है। तो ये हर बार जब देखा तो ये वेरी ही हो रहा था, उसने नाम रखा था कांस्टेंट अपने नाम पे, हबल्स कांस्टेंट। तो साइंटिस्ट ने बाद में बोला भाई भाई साहब ये तो बहुत वेरी हो रहा है, तो उसका नाम चेंज कर दो, हबल्स वेरिएबल कर दो, ये स्थिर तो है नहीं ये नंबर बेसिकली। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज साइंस ऑल्सो कीप्स चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। कुछ सालों पहले बोला जाता था एटम सबसे छोटा है, छोटा पार्टिकल जो भी है, इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनीथिंग। बाद में पता चला कि भाई अब कुछ और आ गया एटम के अंदर, प्रोटॉन्स आ गए, फिर बोला किसने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर बोला पॉजिट्रॉन्स आ गए, और व्हाट नॉट, राइट? सो द साइंस कीप्स इवॉल्विंग। बट भगवत गीता जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है, इट हैज रिमेन द सेम। जो श्लोक आज आप पढ़ रहे हैं यही 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए, सो इट डज नॉट चेंज। इसीलिए इसे गुरु शिष्य परंपरा बताया गया है। तो किस किसने भगवत गीता लिया था लास्ट टाइम, हर एक के पास आपको कॉपी है, मैं भी आज आपकी अपनी कॉपी लेके आया हूँ। सो इसमें इंट्रोडक्शन के बाद श्रील प्रभुपाद, किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि अब क्या नाम रखने वाले हैं, इसको ध्यान से आप देखिए क्या नाम है इसका, भगवत गीता एज इट इज या यथारूप, या मराठी में बोलेंगे तो जश या है कृषि। अगर आपने उर्दू में देखा है भगवत गीता हमारा पाकिस्तान जाता है लेकिन स्मगल होते, असली सूरत में भगवत गीता असली सूरत में वो लेकिन उल्टा शुरू होता है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, राइट? सो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाई एज इट इज बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ भगवत गीता बट दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज प्रभुपाद कम्स, ये जो गुरु परंपरा है उसमें आते हैं, और प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण का कोई भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं लाया है। जैसे कभी कभार भगवान इस भगवद गीता में बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, आप मेरी शरण में आइए। तो कुछ कमेंटेटर्स कैसे लिखते हैं कि कृष्ण को हमको सरेंडर नहीं करना है, कृष्ण के अंदर एक ऐसी शक्ति है उसे सरेंडर करना है, समथिंग लाइक दैट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड भगवद गीता दो चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपाद यहां लिखते हैं इंट्रोडक्शन में कि एटलीस्ट थियोरेटिकली वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज गॉड, एंड सेकेंड वी हैव टू बी हम्बल। लेट मी रीड इट एज इट इज फॉर यू। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ भगवद गीता, द पर्सन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता, we should at least theoretically accept Shri Krishna as Supreme Personality of Godhead, and with a submissive spirit, we should try to understand the Bhagavad Gita. That's why in the chapter 4, text 34, Krishna is explaining कि knowledge कैसे ली जाए और किन से ली जाए। तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवे प्रत्यक्षंति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तु दर्शनम। So he says that one should render service unto the Guru. Pari prashnen sevaya. Aur kya puchna chahiye? Prashn. You must clear your doubts. That is the way of understanding Bhagavad Gita. So Prabhupada now puts the purpose of Bhagavad Gita. The purpose of Bhagavad Gita is to deliver mankind from the nations of material existence. Every man is in difficulty in so many ways, as Arjuna was in difficulty in having to fight the battle of Kurukshetra. Arjuna surrendered unto Sri Krishna, and consequently this Bhagavad Gita was spoken.
not only Arjuna, but every one of us is full of anxieties because of this material existence. Our very existence is in an atmosphere of non-existence. So, here Prabhupada explains, which we already discussed, that we all are in anxiety. The world is designed like this. We have to understand, that's what Bhagavad Gita, of course, we will learn in future chapters. How this world is designed. This world is designed to give us trouble. चूसे हुए गन्ने में से कोई आप expect करेंगे ना कि इसमें से बहुत रस निकलने वाला है, so no, that expectation is wrong, right? So this world is designed in a way that it's called as dukhala mashashvata. The only thing which you're going to get here is misery. It's a place of misery. अभी अंदर कोई जेल में बैठा है तो वो क्या आपको बोलता है, अरे पागल तू बाहर क्या कर रहा है, अंदर आ, फर्स्ट क्लास मजा है, रोटी मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बाकी मस्त आराम कर लेते हैं। आपको क्या लगेगा, ये पागल हो गया है, क्योंकि अरे तू जेल में है, करेक्ट? तो ऐसे दो गधे थे, तो एक गधे ने एक दिन गुस्से में आके नौकरी छोड़ दी। हम लोग भी कभी कभी अपने आप को गधा ही बोलते हैं, जब बोलते हैं ऑफिस से आ रहे हैं, गधे की तरह काम कराते हैं। सो गधे ने गुस्सा आके उसको जॉब छोड़ दी। तो एक दिन घूम रहा था, तो शाम को उसको दूसरा वाला मिला, वो बंदा हुआ था बेचारा, गा रहा कुछ घास वास खा रहा, सब बोला अरे बाहर आ मजा है, तो क्या कर रहा है। तो ये जो दूसरा वाला गधा है जो मालिक के साथ रह के काम कर रहा था, उसने बोला अरे तू एक नंबर का गधा है। बोला क्या बात कर रहा है, बोला और क्या, बोलता तुझे क्या लगता है मैं ऐसे यहाँ बैठा हूँ, बोले ऐसे नहीं बैठा हूँ, बोले आई एम वेरी इंटेलिजेंट। बोले परसों की बात है, मालिक अपनी बेटी को बोल रहा था अगर तेरे नंबर फिर से कम आए तो इसी गधे से तेरी शादी करा दूँगा। बोला मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इस घर का दामाद बनूंगा। तो हम भी यही सपना देख रहे हैं कि हम भी यहाँ दामाद बनेंगे, जब जाएंगे रेड कार्पेट, काहे को रेड कार्पेट, पहले दिन का चांद नहीं रहता है। हम सब शादीशुदा हैं, मोस्टली वी आर मैरिड, राइट? वी नो लेडीज आल्सो नो जेंट्स आल्सो नो बोथ वेज, इट्स नॉट सिंग वन वे, राइट? लव इज अ टू वे ट्रैवल, राइट? रूज इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। So, so that is the kind of happiness we are looking for, right? So it's a mirage. Prabhupada explains, it's like a mirage. You know, jab aap Registan mein dekhte hain, waisa happiness types. So ye material existence ki do psyches batai gayi hain Bhagavad Gita mein. Kya hai wo? I am the creator and I am the एंजॉय। ये दो चीजें हमें पूरा बांध देती है इस वर्ल्ड में। दिस काइंड ऑफ थिंग्स लीड टू अटैचमेंट्स, दे लीड टू एंगर, दे लीड टू लस्ट, दे लीड टू ग्रीड, एंड दे एक्चुअली अल्टीमेटली लीड टू सफरिंग। आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द एंजॉय। ये अगर मैंने बनाया है, मेरा घर है, ये आई विल एंजॉय इट, आई हैव क्रिएटेड। सो इट्स लाइक वन पार्ट ऑफ द बॉडी। आई डोंट नो एनसीईआरटी में आपने वो स्टोरी पढ़ी थी क्या, जब सब ऑर्गन्स हड़ताल पे चले जाते हैं, इसको याद है? आप लोग ज्यादा बूढ़े तो लग नहीं रहे, मतलब मेरे एज के ही लग रहे हैं। आपको याद नहीं है क्या एनसीईआरटी में सिक्स स्टैंडर्ड की बुक में हाथ बोलता मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो अंदर स्टमक बैठा है ना, ये कुछ हिलता डुलता तो है नहीं, बस खाता है, मैं नहीं करूंगा। पैर ने बोला मैं भी नहीं चलूंगा। पता है उनको ये कहानी, लो सुनो ध्यान से। तो पैर ने बोला मैं भी नहीं चलूंगा, हाथ ने बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगा। कभी कभार भाई कैसे बोलती है, कुछ नहीं, जो करना है करो। तो हजरों बेचारा परेशान हो जाता है अंदर, क्या करना है क्या, उस बेचारे को पता नहीं था मिर्च कहाँ, शुगर की जगह पे नमक डाल देगा, नमक की जगह पर कुछ, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। हाथों ने बोला हम नहीं करेंगे,
आंखों ने बोला हम तो देखना बंद कर देंगे, चलोगे कहां से? तो सब इसको कोस रहे थे स्टमक को कि ये बैठ के आ रहा है, राइट? समटाइम्स वी से लाइक दैट, क्या वर्क केस वी से लाइक दैट। सो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा शरीर जो है वो कमजोर पड़ गया। तो सबकी अकल ठिकाने आ गई, हाथ जब उठ ही नहीं रहा है तो उसने बोला भाई ये तो गड़बड़ हो गई। They said no, it is because stomach digests the food, तब जाके हमें शक्ति मिलती है, ठीक है? तो उसी प्रकार जब भगवान के प्रति हम कुछ कर्तव्य या कार्य करते हैं तब जाके सब लोग प्रसन्न होते हैं, एवरी और होल लाइफ इज बिकम्स फुलफिल्ड। इसीलिए पानी पेड़ के ऊपर जड़ों पे या फ्रूट्स पे पत्तों पे नहीं डाला जाता, वो कहाँ डाला जाता है? जड़ में, सॉइल में, रूट्स में, करेक्ट? तो जब रूट में हम पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, पूरे वृक्ष में वो उसकी जो पौष्टिकता है वो बराबर पहुंच जाती है, ठीक है? तो वैसे ही हमारा जीवन वैसा है। सो आप कितने भी पौधे पत्तों पे पानी डालें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। क्योंकि शरीर को अगर सजाया तो कब तक साथ देगा, राइट? वी शुड फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज इटर्नल। सो भगवद गीता उन्हीं इटर्नल प्रिंसिपल्स के बारे में हमें सिखाती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया गया, अर्जुन इज फाइटिंग ऑन बैटल फील्ड, सामने वही रिलेटिव्स हैं जिन्होंने सिखाया लिखाया पढ़ाया, राइट? कई बार लोग भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, बोलते हैं कि इनकी वजह से ये लोग बोलते हैं ना, हाउ मेनी पीपल एक्यूज कृष्ण, ओ इफ कृष्ण वांटेड ये होता ही नहीं था, बट नोबडी रिमेंबर्स दैट इट वाज कृष्ण हु टोल्ड देम ओके लेट्स नॉट फाइट, आप इनको 5 गांव दे दो एंड देन दे विल रूल, अब आपके आपस में आप खुश रहे। बट इट इज द ईगो दुर्योधना हु सेड उतनी जमीन भी नहीं दूंगा जिस पे आप क्या रखें, सुई, एक सुई रखें, इतनी जमीन भी नहीं। एंड क्षत्रिय हैव टू रूल, दे सेड ओके देन फाइट, ही सेड यस वी विल फाइट। क्योंकि दुर्योधन को लगता था कि मेरी आर्मी तो उनसे डबल है, हाउ कैन आई लूज। तो इसीलिए हम आज पहला श्लोक स्टार्ट करेंगे भगवद गीता। तो आप चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 1 खोलिए। तो अभी ये सेटिंग द सीन हो रहा है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। और ये जो बच्चे इस श्लोक को याद करेंगे, बड़े भी, वो अगली बार हम सबसे सुनेंगे। कंठस्थ, कंठस्थ मतलब याद हो जाना चाहिए उस श्लोक आपको, ठीक है? सो वी विल चैंट टुगेदर। धृतराष्ट्र उवाच, एक साथ, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भगवत गीता में 4 कैरेक्टर्स हैं। ये महाभारत के भीष्म पर्व में ये 27th chapter से 42nd chapter, 44th, 25th से 42nd, which is the 18 chapters। ये तो महाभारत के बीच में आता है ना ये, तो इसको गीतो उपनिषद भी बोलते हैं। पिछली बार हमने इस पर चर्चा किया, गीतो उपनिषदो गावो, राइट? ये सार है सारे उपनिषदों का। तो ये फर्स्ट श्लोक है। तो 4 कैरेक्टर है इसमें, 4 पात्र हैं भगवद गीता में, धृतराष्ट्र, करेक्ट? दूसरा संजय, तीसरा
कृष्णा चौथे अर्जुन वेरी गुड धृतराष्ट्र एक ही श्लोक बोलते हैं और तो आप सबको पता है संजय को वरदान मिला उनके गुरु से कि आप देख सके महाभारत और उनको बता सके तो धृतराष्ट्र का कोई बोलता है ना जो कृष्ण को के ऊपर लांछन लगाते हैं कि कृष्ण की वजह से ये हुआ वो हुआ तो ये श्लोक ध्यान से सुनिए ये धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं यही व्याख्या हमें हमारे आचार्यों से मिलती है श्लोक प्रभुपाद से मिलती है तो हम इसका सही मतलब या मीनिंग समझ पाते हैं तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र को क्या बोला उसने धर्म का क्षेत्र क्योंकि जो राजा कुरु था उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि यहाँ पे जो भी अच्छा कुछ कार्य करेगा वो स्वर्ग लोक जाएगा वो ऊपर के लोकों में जाएगा उसने वहां तपस्या की थी गुरु ने इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया जगह का कुरुक्षेत्र कुछ लोग बोलते हैं ये तो माइथोलॉजी है ये हुआ ही नहीं ये मनगढ़ंत कहानियां हैं तो कुरुक्षेत्र स्टेशन कहां से आ गया कुरुक्षेत्र नाम का जगह है जैसे स्टेशन बाय द नेम कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो मतलब हे संजय क्या कौन पूछ रहा है धृतराष्ट्र बोल रहा है कि ये धर्म के क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र जिसका नाम है समवेता युद्ध सभा क्या हो गया वहां पे माम का पांडवश्चैव कौन कौन आया है मेरे पुत्र अपने बच्चों को क्या बोल रहा है कुरु कुरु मतलब कुरु डायनेस्टी से आया है मतलब अपने आप को गुरु डायनेस्टी का मानता है लेकिन अपने भाई के बच्चों को नहीं मानता है माम का पांडवश्चैव उनको अलग कर दिया बुद्धि देखिए इसकी इसलिए उसका नाम क्या है धृतराष्ट्र राष्ट्र मतलब भूमि और धृत मतलब जो उससे इतना जिसको लगाव है अपनी जमीन से जायदाद से वो धृतराष्ट्र है धृतराष्ट्र बाहर से अंधा नहीं था वो अंदर से भी अंधा ही था कुछ लोग बाहर से अंधे हो जाते हैं लेकिन उनकी अंदर की आंखें जग जाती है ज्ञान चक्षु जगता है धृतराष्ट्र अंदर से भी अंधा ही था और बाहर से भी तो वो यहाँ पे पहले ही डिफरेंशिएट कर रहा है माम का मेरे बेटे और पांडु के बेटे कि हम अकुर्वत संजय क्या कर रहे हैं अरे क्या करेंगे भाई कबड्डी का मैच खेलेंगे युद्ध करने आए हैं तुम्ही ने तो घोषणा किया बोल दिया कि हाँ ले जाओ आर्मी और फाइट करो नाउ व्हाई आर यू आस्किंग व्हाट अ हिपोक्रेट दिस धृतराष्ट्र इज इट्स अ हिपोक्रेसी इट्स अ टॉन्ट मार देगा क्या भाई जैसे कभी यू नो आप घर में अकेले हो मैं एक बार घर में अकेला था तो मेरी वाइफ ने कॉल करके पूछा क्यों बनाया क्या कुछ आज आपने बनाया अच्छा मतलब क्या बताएं देन बट ऑफ कोर्स आई लर्न कुकिंग शी इज वेरी कॉन्फिडेंट नाउ शी लाइक्स व्हेन आई कुक दैट्स अ डिफरेंट मैटर अमर यहाँ पे गुड कुक्स बाय द वे प्रभुज मैं डर डर के हाथ खड़ा करें बाकी लोगों में तो हिम्मत ही नहीं है करेज ब्लॉगिंग हो रहा है हाथ खड़ा के तो घर में डिनर बनाना पड़ेगा So this is ये mentality है धृतराष्ट्र का this is that's why he was more responsible for this war than anybody else कहते अगर बच्चा गलती करता है तो बच्चे की गलती नहीं मानी जाती किसकी मानी जाती माँ बाप की मानी जाती इसलिए जब दुर्योधन पहले ही पैदा हुआ था तो विदुर ने बोला कि ये इसके लक्षण सही नहीं है omens जो है जैसे बोलते हैं ना आँख फटफड़ाना या जब वो पैदा हुआ था तो गधे भी चिल्ला रहे थे बैड वोमन से बोला ये बड़ा ये कुलद्रोही रहेगा ये कुल का नाश करेगा इसका त्याग कर दो पर धृतराष्ट्र ने बोला नहीं ये तो मेरा बेटा इसका त्याग नहीं हो सकता राइट सो यू सी द मेंटालिटी ऑफ धृतराष्ट्र हियर हाउ ही डिवाइडेड लोग हमेशा महाभारत जब होता है तो कृष्ण के ऊपर लांछन ही लगाया जाता है भाई उसको धोखे से मारा इसको है पर लोग ये नहीं देखते कि ये वही पांडु थे जिनको पांचों को अंदर घर में बिठाया लाक्षागृह में और आग लगा दी जला दी जिंदा हु कैन थिंक ऑफ दैट 5000 इयर्स बैक हु कैन थिंक ऑफ
disrobing a woman, even in the 21st century, it is the most disgustful thing you can ever think of. 5,000 पूर्व वैदिक सभ्यता में ये must have been unthinkable. Nobody thinks about that. हाँ, इन्होंने इसको ये कर दिया, महाभारत हो गया भगवान की वजह से, इतने करोड़ों संख्या में लोग मर गए. बट भगवान बोलते हैं इसलिए कि टू एस्टैब्लिश धर्म वायलेंस इज नेसेसरी. समहाउ इंडियंस को हमारा अहिंसा का पुजारी वो सब बना दिया गया. अहिंसा इज, ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अहिंसा इज नॉनसेंस. Why is one of the lowest crimes in Singapore? Do you know that? Huh? Exactly. There were recently execution hua kuch Indian kar. They were drug peddlers, by the way. Did you hear that news, right? Nobody dares to do it here because there's a punishment. It is needed. Isliye parenting mein bhi punishment is important. If you don't show the stick, you will have a spoiled brat. Punishment is necessary, of course, up to a certain age. No, over 12, never. Just show this thing. Yeah. But discipline is necessary. This is a discipline aya, discipline is a disciple aya. Shas means to rule. This is a shastra aya, shasan aya, anushasan aya. So the root is shas, is to rule, is control. That's how you can control. Otherwise, it will be a horrible situation. अगर जेल में से सबको बाहर छोड़ दिया जाए, आपको कोई पनिशमेंट नहीं है. जो सही सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत इशू होता है. सो टू डिमार्केट दैट, इसलिए पनिशमेंट जरूरी है. दैट इज वाई कृष्णा सेज आई कम सर व्हाट्स दैट श्लोक परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताय. करेक्ट. धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि. सो इट्स नॉट जस्ट वन श्लोक और समथिंग आउट ऑफ द एयर. नो, कृष्णा कम्स. लेकिन पहले क्या बताया गया, परित्राण आया. भगवान आते हैं, भगवान चाहे तो उनको ऐसे देख के विनाश नाश कर दे. बट मोर इंपॉर्टेंट फॉर कृष्णा इज टू हैव एसोसिएशन ऑफ हिज डिवोटीज. परित्राण आया साधु नाम, पीपल हु आर लाइक साधु, आई लव टू एसोसिएट विद देम. So even Krishna is more eager to associate with his devotees. That is the first thing he comes to do. Second thing is Vinashaya cha dushkrita. Then I will kill the miscreants, those who are troublemakers. Because in human form of life, we have the opportunity to accept spirituality, to accept nice karma. We all know that, what is good, what is bad. Right? Sometimes we do bad things just out of, just as if like I can't control it. But I know in my heart that what I'm doing is not correct. Right? So Bhagavad Gita teaches us a lot of values also in life. How to become strong enough internally so that ye jo bahar ke external forces or external desires hain, ye hum pe haavi na ho. जब आदमी घूस लेता है या कुछ गलत काम करता है तो क्या होता है, जो ये फाइट है इंटरनल वैल्यूज का और एक्सटर्नल डिजायर्स का, उसमें एक्सटर्नल डिजायर्स जीत जाती है. भगवद गीता ये इंटरनल वैल्यूज को काफ़ी प्रबल, काफ़ी शक्तिमान, शक्तिशाली बना देती है और उससे हम ये बाहर के प्रभावों से जो है बच सकते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ दीज आर्मीज और नाउ रेडी. यू नो 11 अक्षौहिणी एक तरफ है और 7 अक्षौहिणी एक तरफ, ऑलमोस्ट डबल द आर्मी. विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज अक्षौहिणी. अक्षौहिणी इज काइंड ऑफ अ कैवलरी, कॉम्बिनेशन ऑफ चैरियट्स, एलिफेंट्स, हॉर्स राइडर्स, फुट सोल्जर्स, उसका एक कॉम्बिनेशन है. 27,661 ऐसे, यू नो लाइक दैट देयर इज. सो ऐसे ही 11 अक्षौहिणी एक तरफ थी, 7 अक्षौहिणी एक तरफ. पर धृतराष्ट्र को ये डर जरूर था कि पांडवों की तरफ से कौन है, श्री कृष्ण. तो
आपने महाभारत में ऑफकोर्स पता ही होगा आपको कि भगवान ने बोला कि मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे दोनों तरफ के रिश्तेदार हैं, उधर भी इधर भी, तो अगर मुझे लेना है तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अगर आपने मुझे नहीं लेना है तो मेरी नारायणी सेना जो बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी वो दूसरा वाला लेके जा सकता है। तो हमको पता ही है, फिर अर्जुन गए और दुर्योधन गए उनसे हेल्प लेने के लिए। सबसे पहले कौन आया? दुर्योधन। बाद में कौन आया? भगवान ने पूछा किसको पहले, क्यों? सॉरी, नहीं, इसकी वजह से नहीं, हाँ, क्योंकि भगवान ने पहले उसको देखा। तो ये हमारे लिए एक लेसन है, जो भगवान के सर पे बैठा वो उसको भगवान पहले नहीं देखेंगे, पहले उसको देखेंगे जो हम्बल है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो इफ यू टेक अ पोजीशन, अगर हम भगवान के सामने नम्रता वाला भाव लेके जाते हैं तो भगवान पक्का देखेंगे। ये सीक्रेट होती है। और कोई उद्दंड होके भगवान के सर के आपस में बैठेगा तो भगवान उसको देखते भी नहीं। कई बार हम लोग बड़े विचलित हो जाते हैं जब बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो कोई देखते कोई पैसा वाला आदमी आ गया या कोई VIP आ गया तो लाइन तोड़ ताड़ के आगे खड़ा हो जाता है, तो बहुत हर्ट होता है, भाई क्या है वो, राइट? तो भगवान वैसे ही हो जाते हैं जैसे भगवान ने अर्जुन को देखा और दुर्योधन को नहीं देखा। बट वक्त विचलित नहीं होता कभी, उसे भगवान पूरा विश्वास होता है। सो दिस इज वन ऑफ द लेसन्स फॉर ऑल ऑफ अस। Then how should we approach Gita? How should we approach the speaker of Gita? Shri Krishna should be always in the mood of Arjun. इसीलिए ही अर्जुन को चुना गया, दुर्योधन को नहीं। दुर्योधन was also there, पर चुना किसको गया? अर्जुन को, क्योंकि वो नम्र थे, भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी और भगवान के श्री चरणों में हमेशा अपने आप को बिठाते थे। That is why Krishna chose, and Krishna will chose each one of us. अगर हम भी वही भाव से ये श्रीमद् भगवद गीता को सुनने का और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें, और उसके लिए आप सबका हमें सहयोग लगेगा, जैसे आप आ रहे हैं लास्ट टाइम, आज भी आए, आगे भी आते रहे, तो हम मिलके भगवान श्री कृष्ण के ये जो कथन है भगवद गीता, इसे सुनने का और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी वेरी मच। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस कर। वो जो कम फेयर है, मैं हम उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं। द पॉजिटिव वे ऑफ सेइंग दैट इज यू आर हम्बल इनफ दैट आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एवरीथिंग। व्हेन समबडी सेज आई नो एवरीथिंग, एक्चुअली ही नोज नथिंग। आइंस्टाइन बोलते हैं, जितना मैं संसार और यूनिवर्स के बारे में जितना ज्यादा जानने लग गया हूं, उतना मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। सो जो वृक्ष जिसपे जितना ज्यादा फल रहता है वो उतना ही ज्यादा झुका हुआ रहता है। तो यहाँ फेयर की बात नहीं है, इट इज अबाउट टेकिंग अ हम्बल पोजीशन दैट एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एवरीथिंग। हु नोज एवरीथिंग? कृष्ण नोज एवरीथिंग। और वो संपूर्ण ज्ञान जब आ जाता है, जब आपको आपकी पोजीशन पता चल जाती है, देन यू आर सेफ, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेयर। फेयर हैज अ नेगेटिव कनोटेशन विद दैट, सो मोर पॉजिटिव इज दैट आई एम हम्बल, आई नो माय पोजीशन, but I don't know everything, and that propels me to know something. वो मैंने पिछली बार कहानी बताई थी, आपको याद है? दुर्योधन और युधिष्ठिर की, किसको याद है? जब आंखें मुझे ऐसे देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कुछ याद ही नहीं रह रहा है। मेमोरी मेमोरी
सो युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया कि आप जाइए, सुबह निकल जाइए रथ पे और देखिए पूरे राज्य में। गुरु ने बोला कि तुमसे नीचा कोई है क्या? इज एनीबडी हु इज मोर फॉलन देन यू? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र, तो वो गए पूरे राज्य आके बोले यस या ही सेड आई एम द मोस्ट फॉलन। कौन बोले? युधिष्ठिर। दूसरे दिन दुर्योधन को भेजा गया, बोले जाओ पूरे राज्य में जाओ और देखो तुमसे बढ़कर कोई है क्या? वो भी उसने बोला कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। यस, मैंने उल्टा बोला इस बार, अब ध्यान नहीं दे रहे, मैंने पहले युधिष्ठिर बोला आज, पिछली बार मैंने दुर्योधन पहले बोला था। ओके, सो तो दुर्योधन ने बोला मुझसे बढ़िया तो कोई नहीं, but who achieved more was Yudhishthir, who won the war, Yudhishthir, who became the king, Yudhishthir, because he understood his position of being the servant of God, servant of Krishna. If you try to understand Krishna, if you try to bring Krishna in your life, you will never be a loser. Show me one example, one example, jisne Bhagwan ko apne jeevan mein laya aur wo bhikhari ban gaya, big man. नुकसान ही नुकसान हो गया उसको। आपको पता है फ्रूट वाली, बच्चों पता है क्या? किसको पता है? बाकी बच्चे छोटा भीम ही देखते हो अभी तक, लिटिल कृष्णा वो है? वो फूल वाली आती, फ्रूट वाली आती ना, फल ले लो क्या बोलती हो? ऐसे बोलती है ड्रामेटिक। भगवान ने आए और देखा तो मुट्ठी में कुछ दो तीन दाने राइस के, बाकी सब छूट गए। तो भगवान के हाथ में दो तीन दाने ही आए तो, लेकिन भगवान का रूप ऐसा देखा इतना मनोहर, बोले कि ठीक है लल्ला इतना काफी है, और भगवान को फूट दे देते। तो जैसे ही मूर्ति है, एक्चुअली वहां मूर्ति नहीं, वो घर जाती है और देखती है ये पूरे के पूरे जो है ये जुबल से भर गया है पूरी टोकरी। तो हमको तो यहां तक स्टोरी पता है, करेक्ट? तो हमारे एक आचार्य है जीव गोस्वामी, वो एक अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम है गोपाल चंपू, वो लिखते हैं कि ये जो पूरा हीरे जवाहरात से देखे ना, ये गर गई, उसने पूरा पलटा पलटी कर दिया, फेंक दिया उसको, फिर से फ्रूट लेके आई, वापस गई नंद महाराज के पास, शी वांटेड टू सी कृष्ण अगेन। सच ए ब्यूटिफुल थिंग, राइट? शी वॉज नॉट फ्रॉम अ मेन सोसाइटी, वो जैसे ट्राइबल रहते ना, ट्राइबल्स लाइक दैट, वो वहां के थे, पर उसने कुछ धीरे जगह ऐसे फेंक दिए और तुरंत वापस बास्केट फुल करके शी केम बैक टू सी कृष्णा। सो वंस यू सी कृष्णा यू डोंट नीड एनीथिंग इन लाइफ टू बी हैप्पी। ओके, पांडवास नेवर लॉस्ट एनीथिंग, व्हेनेवर पांडवास वर इन डायर नीड कृष्णा वाज देयर। अक्षय पात्र से लेके द्रौपदी के चीरहरण तक, महाभारत के युद्ध से लेके लाक्षाग्रत, एवरी टाइम कृष्णा वॉज देयर विद देम। सो इफ यू हैव कृष्णा देन देयर इज नो फियर। ओके, तो आज आपका एक टास्क क्या है, आप सबको चैप्टर 2 श्लोक नंबर 40, चैप्टर 2 टेक्स्ट 40, ये आपको पढ़ के आना है अगली बार बड़ों के लिए, और छोटों के लिए चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 1 को याद करना है, ठीक है? और अगर आपको याद नहीं हुआ तो आपके मम्मी पापा को डांस करना पड़ेगा, फिर खड़े हो गए, ऑफकोर्स डांस खड़े होके ही होता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट्स? कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न, कोई ब्रेन सोल? सो व्हाट वाज द टेक अवे फॉर टुडे? एनीबडी वुड लाइक टू समराइज? क्या क्या आज हमने चर्चा किया?
Yes. Being submissive to Lord Krishna is the secret of understanding Bhagavad Gita. Very good. Thank you very much. Yes. Outcome? Yes. Purvi. Very good. She says, Bhagavan Krishna hamesha pehle humble, jo namra log hai, unko dekhte hai, jo udhanda hai, arrogant hai, unko nahi dekhte. Yes, sir. Sir, अभी मुझे खाना पड़ेगा. Yes. आपसे ही बोल रहे हैं सर. नहीं नहीं आपसे बोल रहा हूँ. जो बहुत पीछे देखते हैं उनको पता चल जाता है मेरी तरफ ही बोल रहे हैं. Yes. No. आपसे आगे. हाँ हाँ सर. किसकी हिम्मत हुई आपका पॉइंट चलाने की. Yes, that was your point. That's your take on it. Yes, sir. Land. You know, like a fight between this personal value and external desires. Ah. So, Gita will help you strengthen your internal practices. Gita does that. Absolutely, without a doubt. Very nice. Because sab karmon ka khel hai. Jis din aapko karmon ka khel pata chal jayega, you'll never do it. You'll never do it. Yes. Yes, sir, aap hi aap. तो इसका मतलब कर्म चेंज हो सकता है उसके ऊपर हमको काम करना है. यस. और वो कर्म के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है. वी क्रिएट आवर ओन बॉडीज बाय द वे. हमको पता नहीं है हमारी इच्छाओं से हम अगला शरीर तैयार करते हैं. इस पर भी आगे चर्चा करेंगे. एनीबडी एल्स? यस सर. जो भी आप कार्य करते हैं भगवान को हमेशा अपना केंद्र बिंदु बना के करें. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू क्लैप. दुष्टों के नाश के लिए हथियार जरूरी है. आई डोंट नो व्हाई द लाफ एट इट एंड आई नो सीरियस बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमको हंसी आ रही है क्योंकि हम में से कोई फौजी नहीं और कोई हथियार उठाएगा भी. पर जब दुष्ट आए कभी, दैट इज वाई इट इज सेड इफ देयर इज समबडी हु अटैक्स यू, समबडी हु ट्राइज टू बर्न योर हाउस, टेक अवे योर वाइफ और समथिंग, इफ यू मर्डर हिम अकॉर्डिंग टू कर्म यू आर नॉट लाइबल. भगवत यहाँ पे कोई इट्स नॉट कोई इमोशनल सेंटिमेंट की बात हो रही है. वेदास आर वेरी क्लियर. प्रेग्नेंट वुमन, should she pass? What do you think? Scriptures are very categorically clear. Above 72, below 5 pregnant ladies, they don't need to fast. They don't get paap also, ki bhai fasting nahi hua to uska paap lagega, nahi lagta. Is detail mein hai hamare shastra, but problem hai humne padha nahi. We are all colonized by the Western set of education, thinking this is bogus, and what they are teaching us is perfect. That education is necessary, but our own spiritual devotion to God and values and traditions are also important. Values and culture. पिछली बार मैंने बताया था तीन टाइप के शिक्षण होते हैं. There are three kinds of education, academics, values and culture, devotion to God. ये तीनों हमको बच्चों को सिखाते हैं. Unfortunately, and we all know this. हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे है? एकेडमिक्स पे. बाकी दो स्कूल में सीख किया हो बेटा, आउटसोर्स.
वैल्यूज कहाँ सीखोगे? तमीज वो टीचर से जाके सीख लो, होमवर्क वहां जाके कर लो, सब आउटसोर्स्ड है, नहीं ओके? मदर्स लेडीज इफ यू लाइक यस मदर्स वेरी डीप पॉइंट थैंक यू. अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने डंडे पड़ने वाले हैं, then you will not do it. आपको पता है कितने टाइप्स के हेल हैं? हमको तो एक ही बताया गया था ना, heaven hell right 27. हर एक के लिए अलग अलग है नरक. It comes in the fifth canto of Srimad Bhagavatam. That is the deep description that we our scriptures carry actually. It's a very beautiful point. बच्चे को जब पता चलता है कॉन्सिक्वेंसेस, सो वो थोड़ा माइंड्स इज एक्शंस एक्चुअली. यस एनी अदर पॉइंट? कृष्णा नेवर लीव्स यू अलोन, बट समटाइम्स ही डज टू सी क्या चल रहा है. विल यू रिमेंबर मी? समटाइम्स ही डज टू टेस्ट आवर फेथ. Krishna left also, right? Sometimes. When you become arrogant, Krishna leaves. Or when you become puffed up. ऐसा कहा जाता है जब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे भगवान, तो हर गोपी को लगा कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है. So every gopi is seeing Krishna with him, right? Which means if Krishna is with me, then Krishna is not with others. And that's the moment Krishna disappears. And then all the gopis are looking at each other, where is Krishna? And then they cry for Krishna. And of course then Krishna comes back. Right? So Krishna doesn't stay with people who are very powerful. Anybody else? No, it's not the right answer. Not an option. Who else? One last prayer soul before we close. Yes, Prabhuji. Prabhuji, this material word is Dukhale Vashashvatam. So you give example of prison. Yes. This world is meant for suffering. But kabhi kabhi phir question aata hai. It's a good point. Thank you, Mother, for bringing this. कि भाई हमें तो हैप्पीनेस मिलता है यहाँ पे, उसका क्या? वो सच में मैं कल बहुत खुश हुई थी, या मैं बहुत कल खुश हुआ था, राइट? जब मेरी जॉब लगी थी, I was really happy. Yes. पूर्वी का आंसर है कि हैप्पीनेस तो है पर वो टेम्प्रेरी है. वैलिड पॉइंट. जब आपने गाड़ी खरीदी वो खुशियां कभी महसूस कर पाते हैं? नहीं. जिस दिन जॉब लगता है आपको, कैसे ऐसे बाहर आते हैं? यस आई क्रैक्ड इट. बाद में चार साल बाद कल से मनोज दिन था जिस दिन मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था. समथिंग लाइक दैट. अब कीप अ हैंड हियर. समबडी हिट होता रह रहा है हथौड़े से और थोड़ी देर के लिए हथौड़ा रुक जाता है. मुझे क्या लगता है? क्या आराम है. दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस. कोई झापड़ लगाया जा रहा है और पीछे रुक रहा है, हम उसको बोलते हैं वाह, आई फील सो मच, फील सो गुड. इट्स जस्ट अ सीजर ऑफ पेन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हैप्पीनेस, अ प्लेजर. व्हाट इज दिस? इट्स जस्ट अ सीजर ऑफ पेन, इट्स अराउंड द कॉर्नर, राइट? सो वी आर नॉट मेकिंग यू पेसिमिस्टिक, दैट्स नॉट व्हाट गीता'स थिंग इज, बट गीता मेक्स यू मोर रियलिस्टिक एंड मोर प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ हाउ टू अप्रोच लाइफ. In terms of how to approach our actions, our responsibilities. Arjuna irresponsible banna chahte the. Krishna ne bola no, you must fight because that's your responsibility. Agar mera hamara fauji gun chhod ke bole ki apne satyagraha hai, to dushman to pura andar aa jayega, correct? So he is meant to fight, so he fights, right? Okay, thank you very very much. Hare Krishna, Hare Krishna. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
So we're going to have a short 10-minute kirtan, and then we have prasad, or we have prasad. So non-tan. So when we are chanting Hare Krishna, this is Krishna's holy name. So you will see some people are playing karthal, cymbals, mridang. So how we can participate is by clapping. But clapping has to be in sync. Okay? You need to catch the rhythm. But you can also try to close your eyes. Let's dim the lights a bit. And try to focus on the sound, the Hare Krishna sound. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going to chant a very small, simple, beautiful melody. This melody comes from a place called Barsana. Barsana is a village near Vrindavan. It's the place of Srimati Radharani. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together, louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare wonderful, much louder. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Together.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Ma'am, I'm going to do this.